तो दोस्तों ये है ट्रेन गरीब रथ 12909। तो मैं हूँ इस वक्त बांद्रा टर्मिनस रेलवे स्टेशन पे और मैं जा रहा हूँ अभी हजरत निज़ामुद्दीन। ठीक है, तो ये जो ट्रेन है आज इसके अंदर हम जो है ट्रैवल करेंगे। और बाकी मेरा जो बोगी है वो J2 है। ठीक है, और ये देखिए सामने J2, ये गरीब रथ एक्सप्रेस यहाँ पे लिखा हुआ है और ये है J2। आइए अंदर चलते हैं और मैं आपको अंदर से भी शो करता हूँ। तो देखिए ये कुछ इस तरीके से ये अंदर है, आइए अंदर चलते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से ये अंदर से लगती है। बाकी ये देखिए ये मैंने एसी चेयर कार में करवाया क्योंकि ये पूरी जो ट्रेन है ना वो एसी ही है। ठीक है, पूरा एयर कंडीशनल ही है। तो ये देखिए और यहाँ से देखिए ये डोर भी दिया गया है और काफ़ी ये देखिए अच्छी ट्रेन मुझे लग रही है फ़िलहाल। लेकिन मैं आपको आगे इसका रिव्यू भी दूंगा कि आपकी इस ट्रैवल कंफर्टेबल है कि नहीं, ट्रैवलिंग इसके अंदर कंफर्टेबल है कि नहीं, उसके लिए मेरे साथ बने रहिएगा। बाकी आप मैं जो है वो मेरी सीट पे जाके मैं बैठ जाता हूँ। पहले सीट आपको मैं शो कर रहा हूँ मेरी कौन सी है। मेरी है 66 विंडो सीट है। ये कोई भाई साहब सोए हो, ये देखिए ये मेरी जो है ना सीट है। ठीक है, विंडो 66। तो यहाँ पे देखिए ऊपर जो है वो लगेज रखने के लिए भी काफ़ी अच्छी स्पेस है। बाकी आगे मैं आपको शो करूँगा, इसका रिव्यू भी दूंगा। तो ये देखिए और ये जो ट्रेन है ना ये बांद्रा टर्मिनल से आपको बोर्ड करनी है। ठीक है, और ये देखिए तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखिए ये ट्रेन है और मैं इसका आपको टिकट रेट भी बताऊँगा। हाँ, तो मैं देखिए यहाँ पे बैठ चुका हूँ मेरी सीट पे और मुझे जो यहाँ पे जो स्पेस है ना काफ़ी कम लग रहा है, तो कंफर्टेबल तो शायद ये नहीं रहेगा। और ये देखिए यहाँ पे खोल के अगर आपको कुछ स्नैक्स वगैरह करना है, खाना है, तो आप यहाँ से ये कर सकते हो। बाकी यहाँ पे नीचे जो स्पेस है ना काफ़ी छोटी है और कंपेयर टू सारी जो चेयर कार होते हैं उससे ये जो सीट है ना बहुत छोटी है। ठीक है, तो इतना कंफर्टेबल तो जर्नी मुझे नहीं लगता कि ये होगी। हाँ, तो दोस्तों मेरा जो ये जो ट्रेन है, मेरी जो ट्रेन है जो वो अब बांद्रा टर्मिनल से जो है अब निकल चुकी है और ये ट्रेन का टाइमिंग है कुछ शाम को 5:30 बजे ये बांद्रा टर्मिनल से निकलती है और हजरत निज़ामुद्दीन कुछ सुबह के 10 बजे अगले दिन सुबह 10 बजे या तो 10:15 आपको पहुंचाएगी। और ये देखिए तो इस ट्रेन के अंदर ना पेंट्री कार नहीं है, तो जो बाहर से जो फूड आता है वही आपको यहाँ पे जो है वो खरीदना पड़ेगा। बाकी ये देखिए और ये जो ब्रिज है ना ये खार का ब्रिज है। ठीक है, और इसी ब्रिज से जो आप खार रेलवे स्टेशन से डायरेक्ट शॉर्टकट में आप जो है बांद्रा टर्मिनल आ सकते हैं। उसका भी मैंने व्लॉग किया है, वो भी आप आई बटन के ऊपर देख लेना। और ये जो है ये मुंबई लोकल मुंबई की लाइफलाइन है, इसका भी मैंने व्लॉग किया है। तो ये देखिए और अभी कुछ ही टाइम में जो है वो सनसेट हो जाएगा, तो रात को कुछ दिखेगा नहीं, तो मैं आपको सीधे कल सुबह मिलूँगा। तो देखिए अभी मॉर्निंग हो चुकी है। ठीक है, ये सनराइज़ है और स्पीड अच्छी खासी स्पीड है रात को जो वो कवर किया था। और बाकी ये देखिए लेकिन जो बैठने का है ना वो काफ़ी प्रॉब्लम धारक यानी प्रॉब्लम देता है वो, क्योंकि मैंने कहा कि सीट काफ़ी छोटी है। और ये देखिए तो आपको मैं इसका जो रेट भी बता दूँ तो कुछ 940 रुपीज़ है बांद्रा टर्मिनल से हजरत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन का फेयर। और वो जो फेयर है ना वो कुछ 1000 तक हो जाता है, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन बुक करोगे तो कुछ ऑनलाइन गेटवे चार्जेस भी लग जाते हैं। तो ये देखिए और ये देखिए तो अभी यानी मैं वही कहूँ ना कि कंफर्टेबल तो आप इस ट्रेन को नहीं कह सकते। बाकी स्पीड अच्छी है और ऑन टाइम वहाँ से जो है वो निकल चुकी थी। और ये देखिए अभी लगभग तो हम अभी देखिए अभी पहुँचने ही वाले हैं हम लोग जो है वो हजरत निज़ामुद्दीन दिल्ली में आ चुके हैं। हाँ, तो दोस्तों देखिए हम अभी पहुँच चुके हैं हजरत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन। ठीक है, और तो जर्नी मेरी ऐसी रही कि रात को बहुत तकलीफ़ हुई क्योंकि मैंने जैसे कहा कि सीट काफ़ी छोटी है और आगे स्पेस भी नहीं है, तो बहुत प्रॉब्लम है। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो हजरत निज़ामुद्दीन
तो मेरा तो यही एक टिप रहेगी कि अगर आपका इमरजेंसी नहीं हो तो इस ट्रेन में ना आइएगा। तो आइए मैं नीचे उतर जाता हूँ और ये देखिए, ठीक है अभी। हाँ थोड़ी तकलीफ़ तो हुई, यानी कंफर्टेबल तो बिल्कुल नहीं है आपको। 1000 देके भी, 1000 रुपीज़ देके भी ना आपको कंफर्टेबलनेस तो इसके अंदर बिल्कुल नहीं मिलेगी। ठीक है आपको थोड़ा पेन होगा ही बॉडी में, ब्लैक्स किया कहीं ना कहीं पे, क्योंकि उतनी वहाँ पे स्पेस ही नहीं है। तो मैं नीचे उतर जाता हूँ, आइए एक जगह ना, ये मैं नीचे नीचे उतर गया। ठीक है देखें, तो ये है ट्रेन, ये हज़रत, ये है ट्रेन देखिए। ठीक है और ये है हज़रत निज़ामुद्दीन का रेलवे स्टेशन। इस रेलवे स्टेशन का भी मैं व्लॉग करूँगा, वो भी ज़रूर देखेगा। बाकी जो मैंने आपको रिव्यू, तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपको, हाँ तो मैं ये कह रहा था कि रिव्यू तो मैं यही दूंगा कि अगर आपको इमरजेंसी नहीं है तो इस ट्रेन में ना आइएगा। ठीक है क्योंकि बहुत तकलीफ़ है और सीट बहुत छोटी छोटी है। बाकी मेरे अगर मेरे वीडियो पसंद आया है तो भी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। ये देखिए ये हज़रत निज़ामुद्दीन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे आती है और बांद्रा टर्मिनल से जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 6 से रवाना होती है। तो ये देखिए हज़रत निज़ामुद्दीन। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।